दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोसी नदी का तटबंध टूटा है। बता दें आपको कि किरतपुर के भभौल गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में पानी भी घुस गया है। बांध टूटने से काफी दूर तक कटाव हुई है और बचाने के लिए काफी कोशिश भी की गई। दरभंगा से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जिले में किस तरीके से बाढ़ की स्थिति है और दरभंगा में भी देखिए बाढ़ की स्थिति है। वहीं कोसी नदी का जो तटबंध है वो टूट गया है। किरतपुर के भभौल गांव के पास की घटना है। किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में ये पानी घुस गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या स्थिति है फिलहाल वहाँ की? जी, बता दें कि ये बड़ा तटबंध है, कोसी नदी के तटबंध जो उसे रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस तटबंध के टूटने के बाद कोसी नदी की एक धारा, कहें तो एक नया धारा बना लिया है और ये जो है दो प्रखंडों को त्वरित जो है क्षति पहुंचा रही है, जैसे घनश्यामपुर और किरतपुर प्रखंड। इसमें कहे तो 20 से 25 गांव तुरंत प्रभावित हो गया है और आगे की ओर पानी बढ़ रहा है, जिससे कई और गांव प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में इस तटबंध को बचाने के लिए कल शाम से ही आला अधिकारी डीएम सहित वहां पर एसडीओ एसडीपीओ सारे लोग मौजूद थे, लेकिन देर रात तक जो है इसको बचा नहीं पाया गया और ये तटबंध आखिरकार टूट गया। और टूटने के बाद कहे तो भीषण प्रलय जो है उस इलाके में मचने वाली है, चूंकि बहुत दूरी तक ये तटबंध टूटा है और एक कोसी जो है एक धारा जो है नई धारा जो है अपनी इस ओर मोड़ ली है। जी ठीक है बिकबिन, देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से वहां पे रह रहे लोगों के लिए क्या इंतजाम किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बाढ़ की वजह से बगहा के खैरटवा गांव के पास चंपारण रिंग बांध टूट गया, जिसके बाद गांव में पानी घुसने लगा। वहीं सीतामढ़ी में बेलसंड के मदकौल के पास बागमती नदी का तटबंध टूट गया, जिससे कई सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया और कई कच्चे मकान बाढ़ की जद में आ गए। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से राज्य के कई बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है। बगहा की तस्वीर देखिए, देखिए कैसे खिरटवा गांव के पास गंडक नदी की तेज धारा में चंपारण रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने के बाद पानी गांव में घुसने लगा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांध टूटने की घटना सीतामढ़ी में भी हुई है। नदी की तेज धारा में बागमती का माड़र तटबंध टूट गया। बेलसंड के मदकौल के पास नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। तटबंध टूटने के बाद से बेलसंड शहर में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से बैरगनिया के बलुआ, परसौनी के सौली और कोरा खरगी गांव के पास तटबंध में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बांध का तो कोई भरोसा नहीं है, कब बांध टूटेगा, जी रात भर कोई कब टूटता या न टूटता कोई ठीक ना है। नहीं घर बांध पजरा में घर है तो लड़िया बचा लेकर लोग कहाँ जाते, घर बांध टूटते ही था कहाँ पर जाते। दोनों तरफ सर नदी है, हमने से के जीवन खराब हो रहा है, अब टूट जाएगा तो ये धोखा पर घर है, हमने से दह जाएगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कोरा खरगी गांव के लोग इस दावे से सहमत नहीं दिखते। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। नेपाल में हुई भयंकर बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक नदी डरा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोसी बराज के ऊपर से बह रहा पानी उतरने लगा है।
मिर्जान गांव 70 पंचायत नवहट्टा प्रखंड सहरसा जिला। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोज नाम का व्यक्ति कांपती आवाज में मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के कई ऐसे खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डरा रही है बिहार का शाप कही जाने वाली कोसी। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके मिर्जान के लोगों का जान बचाया था। शनिवार को कोसी पानी कोसी बराज के ऊपर तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 56 साल बाद कोसी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। ये वीडियो उस समय का है जब कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए। लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार को कोसी का पानी उतरना शुरू हो गया। सुबह 5 बजे तक कोसी बराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, जो रविवार शाम 5 बजे तक घटकर 3,57,410 क्यूसेक रह गया। लेकिन न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल है जो कोसी के बैराज के ऊपर खड़ा है उसके बाद से, और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, कोसी का ये बैराज है और पानी जो है कल शाम तक जहाँ इसके ऊपर से बह रहा था, आज कितना नीचे गया है। पानी कम जरूर हुआ, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये जरा जरा देखिए, ये जरा देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे लोग जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वहां से, नेपाल प्रशासन जो है वहां से खदेड़ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बैराज पे चढ़ करके वहां से झांक रहे हैं, वहां से सेल्फी ले रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सरकार इस समस्या के परमानेंट समाधान का काम कर रही है। इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए, या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहां हम लोग बराज बनाएंगे। 2008 में जब कुशाह बांध टूटा था, उस समय महज 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसी ने बांध को तोड़ दिया था। इस बार नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। न्यूज 18 के लिए सुपौल से रवि एस नारायण और अमित झा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। खबर पूर्णिया से आपको बताएं, जहां पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और कोसी बराज के बढ़ते जलस्तर की वजह से बायसी अनुमंडल में भीषण कटाव हो रहा है। देखते ही देखते कनकई नदी में एक मस्जिद पानी में समा गई, वहीं लोगों के आशियाने भी पानी में समा चुके हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर जरूर बनाए गए, साथ ही कम्युनिटी किचन सहित कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। सभी अधिकारियों को बाढ़ और कटाव को लेकर सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे प्रमंडल के क्षेत्र में कोसी नदी में प्रवेश करेगा और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये चारों जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि जो नीचे के इलाकों में ग्रामीण रह रहे हैं उनको ऊंचे स्थलों पर बनाए गए शरण स्थली पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और उनके लिए वहाँ पॉलीथीन शीट्स की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सामुदायिक किचन की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित की गई है।